होने वाला है, हम बात करेंगे BCAA के बारे में कि BCAA है क्या, BCAA के बेनिफिट्स क्या हैं, BCAA हमारी बॉडी में काम क्या करता है और बॉडी इसका लेने के फ़ायदे क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला टिप नंबर वन कि BCAA है क्या गाइस। सो हम बात करते हैं BCAA एक ब्रांच चेन अमीनो एसिड है जो कि तीन चीज़ों से मिलकर बनता है जो कि लूसिन, आइसोलूसिन और वैलिन। टोटल 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि इनमें से ये तीन अमीनो एसिड्स हैं जो कि इनसे मिलकर टोटली बनता है। बट हमारी ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर होता है बट हमारी बॉडी इस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसलिए हमारे को सप्लीमेंट्स के थ्रू और नॉनवेज के थ्रू हमारे को इसको लेना पड़ता है। राइट गाइस, सो दैट इज़ हम सेकेंड टिप नंबर टू की अगर हम बात करते हैं सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो भाई बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं। लाइक अगर आप इसको ड्यूरिंग द वर्कआउट आप इसको ले सकते हैं या इंटर द वर्कआउट ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं, बट मैं अगर आपको रिकमेंड करता हूँ तो आप इसको ड्यूरिंग द वर्कआउट लोगे तो बहुत ही बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसको ड्यूरिंग द वर्कआउट आप लेते हो, जो भी आपका मसल्स टूटता है, आपका जो भी मसल्स होगा, आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी थकावट होती है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप BCAA के द्वारा आप उसके ज़रिए आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी और आपकी टूट फूट जो भी रिकवरी रेट होगा आप उसको बेटर कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। दिस इज़ गुड फॉर द एथलीट्स, आप कोई भी इसको ले सकता है ड्यूरिंग द वर्कआउट। सो टिप नंबर टू हम इसकी बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या होने वाले हैं गाइस। डिसएडवांटेज के यही है कि आप इसको कोई भी चीज़ हो यार, आप उसकी किसी भी चीज़ के अगर ओवरडोज लेते हो सो वो हमारी बॉडी के लिए या हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप कोई भी चीज़ लीजिए तो लिमिट के अंदर लोगे तो उसके काफ़ी अफेक्ट्स आपको दिखने वाले हैं, बट इसको ओवर लिमिट लोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स तो डेफिनेटली दिखने वाले हैं। बट एक दिन में अगर आप चाहते हो तो इसको 5 से 10 ग्राम इसको ले सकते हैं। आप इसको वाटर में ले सकते हैं, स्मूदी में ले सकते हैं, आपके कोई भी शेक हो उसके अंदर में इसको ऐड कर सकते हैं। उसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको जो मेरी वीडियो आने वाली हो इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।